We're going to be looking at Anne Robert Jacques Turgot If you look at uh, his date of birth and death, you see that it is right before the French Revolution. 1727 to 1781. Agarabnitariante To the French Revolution, 1789 he He's very, very important. He's uh, sometimes regarded as a physiocrat, which is not altogether incorrect.

कि वो बचा सकता था एंशंट रिजीम को इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है रिफ्लेक्शन ऑन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सेवनटीन सिक्सटी सिक्स जिसमें वो थियोरी ऑफ कैपिटल को प्रियम्प्ट करता है उसको एक्सप्लेन करता है उसको डिवेलप करता है प्रिकर्सर है उसका टू स्टार्ट विथ कहता है कैपिटल इज दैट सरप्लस दैट इज नॉट स्पेंट और कंज्यूम बट सेव्ड सी सिंपल सी बात है ठीक है नाउ दिस इज़ वन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल इट्स नॉट ने द डेफिनेशन दैट वी ऑलवेज वर्क विथ अलॉर्क टाइम्स हम कैपिटल को कहेंगे विशाल तौर पर हम कैपिटल गुड्स की बात कर देंगे जिससे हमारी मुराद होगी मशीनरी वगैरह या हम फाइनेंस कैपिटल में उस पैसे को जो कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि उसको क्रेडिट uh, की शक्ल में दिया जाए लोन की शक्ल में दिया जाए उसको हम कैपिटल कहेंगे एनसो मार्क्स की अपनी डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म के इट इज़ द वैल्यू दैट इज़ इन द सर्कुलेशन ऑफ वैलराइजेशन वो अपने आप को ऑगमेंट करता है ये उसकी डेफिनीशन है बहरहाल इसकी डेफिनेशन इतनी ज़्यादा सी है कि जो आपके पास पैसे हैं उसमें से जो आपने कंज्यूम कर लिए वो तो आपने कंज्यूम कर लिए और जो बच गए वो कैपिटल है दीज सेविंग्स आर हॉर्ड क्योंकि आप उनको एक्ूमुलेट करते हैं आर पर्स इकॉल्स एन पर्सनल प्रॉपर्टी और उनकी कई शक्लें हो सकती हैं हाउस होल्ड हो सकते हैं गुड्स हो सकते हैं आपके घर बार हो सकते हैं मर्चेंडाइज हो सकते हैं यूटेंसिल्स फॉर ट्रेड कैटल वग़ैरह इस कोई भी चीज़ जो है जो आपके पास वेल्थ अक्यूमुलेट हो रही है उसको वो फिलहाल कह रहा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको वो कैपिटल कह रहा है यानी कैपिटल डजन हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी Can be in different forms. But as long as you have something that you're not using, you're saving in some way, you're not consuming it, it's surplus, that's capital for him. The circulation of this wealth is necessary for production. this capital gumega circulate karega to phir amal shuru hoga. First, all, first, let's look at agriculture. In agriculture may avoid for agriculture to be possible. Why? Because when people cultivate the ground, it is necessary to sow before they can reap. आपने बीज डाला फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि फसल उगेगी फिर जब उगेगी तो फिर काटेंगे जब काटेंगे तो फिर उसके बाद उसको खाएंगे तो उतनी देर क्या होगा दे मस्ट ऑल्सो सपोर्ट दिम सेल्सिल आफ्टर द हार्वेस्ट जब हार्वेस्ट होगी तो तब जाके गंदम आप खाएंगे तो उतनी देर आप क्या करेंगे द मोर कल्टिवेशन इज ब्रॉट टू परफेक्शन एंड एनवाइमेंट द मोर कंसिडरेबल दीज एडवान आर तो आपको एक एडवांस चाहिए जिस पीरियड के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं आप खा पी सकते हैं जब तक के दोबारा से वीट नहीं उगती और आपके पास अनाज नहीं आ जाता ठीक है So these are the kind of advances, which capital, uh, capital, has, is these sorts of advances in order for production to take place. It is only by means of considerable advances that we pay, obtain rich harvests and that lands produce a large revenue. Jitni badi aap advance karenge, utna possible logo utni workers ko employ kar sakteinge ke wo khediy badi aur utni So if aap advance a large amount of capital so it's not possible to then have a large amount of output either the first advance ever was not made by a capitalist he says but by nature by land itself the earth was ever the first and the only source of all riches you can see that he, uh, his physiocratic leanings are visible here it is that which by cultivation produces all revenue it is that which has afforded the first fund for advances anterior to all cultivation tamam cultivation se jo fund you chahiye tha टू बी एबल टू मेक एग्रीकल्चर पॉसिबल वो कहां से आपको मिला किसी कैपिटल से नहीं मिला वो आपको मिला तो कुदरत से मिला और सबसे पहली शकल लिहाजा कैपिटल की जो है वह हैटल वर इन अर्ली टाइम्सिंग प्रॉपर्टी सबसे पहली शकल प्रॉपर्टी की जो है वो थी कैटल एंड वर ऑल्सो दू अक्यूमुलेट दे पेरिश बट दे ऑल्सो ब्रीड एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिचे इज इन सम रिस्पेक्ट अनपेरिशेबल क्योंकि कैटल जो है ब्रीड करेंगे तो वो कम नहीं होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे मगर आपका कैपिटल आपकी कैपिटल कम नहीं होगी इनफैक्ट दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज कंसिडर्ड कैपिटल एंड दैट्स वाई द वर्ड कैपिटल इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैटल कैप का मतलब होता है जिस तरह हम कहते हैं कैपिटल ऑफ द सिटी या हम कहते हैं डीकैपिटेट करने का या हम कहते हैं कैप पहन लो तो ऑल ऑफ दैट मीन्स हेड तो जब कैटल को काउंट किया जाता है तो आप कहते हैं हा मनी ऑफ कैटल डू यू हैव तो इसलिए अगर यू हैव हंड्रेड कैप तो दैट मीन्स यू हैव हेड्स ऑफ कैटल लैटिन के हिसाब से तो वहां से लफ्स निकला कैपिटल सो कैपिटल का लफ्स जब आप कहते हैं जी आई बिलीव इन कैपिटलिज्म बेसिकली कैपिटलिज्मली आई बिलीव इन अक्यूमुलेटिंग मज्जें और गए ठीक है ना पेस्टर लाइफ रिक्वायर्स अ लॉन्गर रेजिडेंस इन द इन द सेम प्लेस अफोर्ड्स मोर लेजर more opportunities to study the difference of lands, to observe the ways of nature in the production of such plants as for the support of cattle. so paleo-hunter-gatherers, the hunter-gatherer Pastoralists pastoralists. And or pastoralist life may, hamaripas, li form of wealth, hai. humanity ke paas, kam se kam, in this part of the world, in this part of the world, se meri murad ye hai, in what's called the old world, old world semiri european, asian, african continent. Hai. न्यू वर्ल्ड से मुराद होती है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसकी नहीं वो बात कर रहा तो कैटल वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ दैट बिगेन विद सोसाइटी हंटर गैदर के पास कोई सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ या प्रॉपर्टी नहीं थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वॉज कैटल ठीक है और दैट्स वाई आज भी वेल्थ को हम कैपिटल कहते हैं और इस सिस्टम को हम कैपिटलिज्म कहते हैं अभी तक वी आर रीचिंग इन टू दैट एंशंट पास्ट एंड टेकिंग दैट नेम फ्रॉम इट द अदर फॉर्म ऑफ वेल्थ वॉज स्लेव्स

पर ईयर कितनी कैटल निकलेगी लेट से कितनी स्लेव्स की इक्विवेलेंट निकलेगी इस हवाले से अगर आप 20 साल पे उसको कैलकुलेट करें तो लैंड की 20 साल की वैल्यू उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है और द प्राइस ऑफ द स्टेट इज़ नथिंग एल्स बट इट्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स अगर बीस साल के लिए ज़मीन खरीदनी है तो हर साल अगर वो एक लाख रुपये रेवेन्यू देती है तो ज़मीन की वैल्यू जो है वो बीस लाख रुपये होनी चाहिए इस तरह से कहता है वैल्यूएशन होती है लैंड की

So all value can be resolved into land. Again, you see his physiocratic influences here. He says all capital and money and all amount of value are equivalent to land, producing a revenue equal to some portion of that capital or value. Hai? Means the same thing. Har cheez ko land mein evaluate kar Whoever, either by the revenue of his land or by salary of his labor or industry, receives every year a higher income than he needs to spend, may lay up the residue and accumulate it. Agar aap सेविंग करेंगे बचाएंगे दीज अकूमलेटेड वैल्यूज आर वॉट वी नेम अ कैपिटल ठीक है तो आप एकट करते हैं आप सेव करते हैं आप बचते बचाते हैं पैसे उसको हम क्या कहते हैं एनी सम अ वैल्यू इज सरमायानी टू एन स्टेट इन लैंड प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू इक्वल टू अ अड प्रोपोर्शन ऑफ दैट सम सेम थिंग अगेन दैट इज के यू कैन इवेल्यूट अच्छा अब देखते हैं ये हमने देख लिया इन्वेस्टमेंट इन in एग्रीकल्चर अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन मैनुफैक्चर वैन अ ग्रेट पार्ट ऑफ सोसाइटी बिगैन टू हैव नो रिसोर्स बट इन देर हैंड्स इसका मतलब ये कि वो अपने हाथ से काम कर रहे थे ज़मीन से काम नहीं कर रहे ज़मीन से चीज़ें नहीं उगा रहे थे मगर अपने हाथ से एक चीज़ें बना रहे थे इट वॉज नेरी द दो दस अपॉन सैलरीज शुड हैव समट बिफोर हैंड वट दे माइट आइदर पिक्योर देम सेल्वीरियल ऑन विच देबर और सबसे ड्यूरिंग द टाइम दे वेटिंग फॉर देर सैलरी यानी कि अगर मैंने महीने बाद मुझे सैलरी मिलनी है तो और मैंने अपने हाथ से कोई चीज बनानी है कपड़ा बनाना है कुछ भी बुनना है वगैरह जो भी करना है तो वही महीना मैंने खाना तो खाना है ना और जो मैंने कपड़े बुनने के लिए जो मुझे टूल्स चाहिए इंप्लीमेंट्स चाहिए रॉ मटेरियल वो उसके बगैर मैं काम कैसे करूँगा तो वो एडवांस कहाँ से आएगा ऑब्वियसली वो कोई ना कोई कैपिटलिस्ट देगा द कैपिटलिस्ट हैज टू प्रोवाइड द एडवांस टू सस्टेन द लेबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ठीक हो गया इट इज ही दैट मस्ट एक्सपेक्ट द सेल ऑफ द लेदर विच इज टू रिटर्न हिम नॉट ओनली इज एडवांसिस बट ऑल्सो एन एम्यूलेंट Sufficient to indemnify him for what his money would have procured him, had he turned it to the acquisition of lands, and moreover of the salary due to his troubles and care, to his risk and even to his skill. Logi ab logi. Iska profit has to be at least greater than the returns from land plus the salary of his troubles plus whatever depreciation etc occurs, raw materials, ye Kuch profit aayega to fir main advance karunga, otherwise main advance I can't end up with less. If I do फिर मैं वो साइकिल तोड़ दूंगा खत्म हो जाएगा अच्छा कहते हैं है, no so, अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं ये देखूं कि जो मैनुफेक्चर में लोग काम करते हैं उसमें कौन सी डिफरेंट कैटेगरी तो कह रहे हैं एक तरफ वो हैं जो कैपिटलिस्ट हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो कि वर्कर्स हैं अब आप देखें कि क्लासिकल पोलिटिकल इकोनॉमी की एरिया के अंदर जब हम मैंटे हो रहे हैं एटलीस्ट हंड्रेड ईयर्स बिफोर मार्क्स एक्सेट्रा एंड इवन बिफोर दैट यू ऑलरेडी सी कि पोलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स की अप्रोच जो है ना बड़ी फ़र्क है क्लासिकल पोलिटिकल इकोनॉमी इवन प्री क्लासिकल पोलिटिकल इकोनॉमी जब अप्रोच करती है सब्जेक्ट को इकोनॉमी को देखती है किसी भी सोसाइटी को तो वो सबसे पहले कहाँ से शुरू करती है यू डोंट हैव टू बी अ मार्क्सिस्ट टुरगो तो मार्क्सिस्ट नहीं है ना टूर्गो तो प्रो कैपिटलिस्ट लेजे फेयर प्रो यूजरी प्रो ऑल दीज थिंग्स सोशलिज्म उसके दूर करीब से नहीं गुजरने लगा ठीक है मगर एनालिसिस का तरीका ये है कि देर लुकिंग एट अ क्लास एनालिसिस ऑफ सोसाइटी पोलिटिकल इकॉनॉमी की बेसिक मैथडोलॉजी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि आप देखें तो सही कि कौन सी क्लासिस हैं सोसाइटी के अंदर और वो क्या ले रहे हैं और क्लासिकल पोलिटिकल इकानमी इवन प्री क्लासिकल पोलिटिकल इकानमी जनरली तीन हिस्सों में सोसाइटी को तकसीम कर देती है एक हैं लैंड लॉर्ड्स प्रोप्राइटर्स एक्सेट्रा एक हैं कैपिटलिस्ट और एक हैं वर्कर्स अच्छा जी एग्रीकल्चर पे वो वापस आता है कहते हैं व्हाट आर द मिनिमम रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर अब वो बात करता है कि प्रॉफिट प्लस वेजेस प्लस प्लस रेंट फॉर एग्जांपल लिखता है फर्स्ट अ प्रॉफिट इक्वल टू द रेवेन्यू दे कुड हैव कुर्ड विद एयर कैपिटल एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फिटीक इसका मतलब है अगर मैं अपना सरमाया कहीं और लगाता तो मेरे पास कितने पैसे आते पहले तो ये कैलकुलेट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है ना उसकी ये डॉक्टर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ये नज़र आए तो इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि अगर वही कैपिटल मैं कहीं और लगाता उससे कम प्रॉफिट आए तो फिर ये वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए दूसरा द सैलरी एंड द प्राइस ऑफ देर ओन ट्रबल ऑफ देर रिस्क एंड देर इंडस्ट्री ये कवर होनी चाहिए जितनी मैं रेवेन्यू कमाता हूं इसमें सैलरी भी कवर होनी चाहिए फिर तीसरी चीज एंड एम टू इनेबल टू रिप्लेस द इफेक्ट्स इंप्लॉयड इन दियर एंटरप्राइज एंड द लॉस बाय वेस्ट कैटल डाइंग एंड यूटेल्स वेयरिंग आउट एंड सो ऑन ऑल विच ऑट टू बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द अर्थ दिस वी कॉल इन इकोनॉमिक्स टूडे डिप्रीसीिएशन ठीक है इट हैज टू कवर डिप्रिसिएशन जो भी चीज इस्तेमाल हुई है वो डिप्रीसीट हुई है आपके टूल्स वगैरह वो कॉस्ट भी शामिल करेंगे आप दर प्लास्ट विल सर्व द कल्टीवेटेड टू पे टू द प्रोप्राइटर फॉर द परमिशन ही हैज़ गिवन हिम टू मेक यूज ऑफ इस फील्ड इन द द्लिशिंग ऑफ एंटरप्राइज रेंट इसका मतलब जो टोटल मेरी रेवेन्यू है जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ एग्रीकल्चर के अंदर जो टोटल रेवेन्यू है वो चार हिस्सों में तकसीम होती है कौन से चार हिस्से हैं एक है प्रॉफिट एक है सैलरी एक है डिप्रिसिएशन और एक है रेंट ये प्रॉफिट वेजेस, इज रेंट इसने वर्कआउट करके दे दिया दिस इज वेरी ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन फॉर वेरी अर्ली ऑन इन द पीरियड कि वो अब उसको तोड़ तोड़ के दिखा रहा है आपको कि जो रेवेन्यू आप बनाते हैं वो किन चीज़ों पर इस्तेमाल होती है और कितनी रेवेन्यू होगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्थ इकोनॉमिकली वर्थ होगी या नहीं इतनी होनी चाहिए कि उसमें इन सारी पेमेंट्स करने के बाद इतना प्रॉफिट आए कि अगर आप वो सरमाया कहीं और लगाते हैं तो वहां से uh, इतने पैसे ना बने जितने यहां बन रहे हैं ठीक है प्राइस ऑफ लैंड द कॉम्पिटिशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट अंडरटेकर्स ऑफ कल्टिवेशन फिक्स ऑफ द ऑफ लैंड सो प्राइस ऑफ लैंड में डिमांड एंड सप्लाई एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है अगरचे जैसे मैंने आपको समझाया वी स्टिल हैव अ मैकेनिज्म ऑफ आउट द वर्थ ऑफ द लैंड उससे थोड़ा आगे पीछे होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई बट द वर्थ ऑफ लैंड द डिफॉल्ट ऑफ कैपिटलिस्ट अंडरटेकर्स अंडरटेकर और कैपिटलिस्ट एक ही मतलब है दोनों का ठीक है लिमिट्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड टू स्मॉल एक्सटेंट इसका मतलब क्या है डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर उनके पास पैसे ना हो या वो लॉस में चले जाएं, डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, तो फिर क्या होगा कि वो सरमाया नहीं लगा सकेंगे और लैंड को लेबरर्स हायर करने पड़ेंगे या शेयर क्रॉपर्स हायर करने पड़ेंगे और कैपिटलिस्ट जो है वो सरमाया नहीं लगा सकेंगे उससे क्या होगा आउटपुट कम हो जाएगी तो सरमाया लगाना बड़ा ज़रूरी है और सरमायादारी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस सिचुएशन में अच्छा कल्टिवेटर्स को वो किस तरह देखता है कल्टिवेटर्स में दो किस्म के लोग हैं वो कहते हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर्स सब डिवीजन ऑफ द क्लास ऑफ कल्टिवेटर्स ठीक है सो so फार्मर्स कौन है सॉरी uh, कल्टीवेटर्स कौन है एक अंडरटेकर्स और फार्मर्स है ठीक है ये कैपिटलिस्ट है और दूसरी तरफ हायर्ड पर्सन और सर्वेंट्स एंड डे यानी कि वर्कर्स सो एग्रीकल्चर में भी आपको जब कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज आप करते हैं एक कैपिटलिस्ट है एक वर्कर है, है और तीसरा कौन है लैंडलॉर्ड ठीक है

क्रॉप तैयार हुई है मगर आपने उसी वक्त थोड़ी खरीदनी है चीज़ ठीक है हो सकता है आपके पास घर में रोटी है आप कहते हैं मैंने अभी रोटी नहीं खरीदनी अब मेरी तरफ से रोटी तैयार होगी मैं कह रहा हूँ रोटी खरीदो आप कह रहे भाई मैंने नहीं खरीदनी मेरे घर में है अब क्या मसला होगा और द परफेक्शन ऑफ वर्क यानी कि जैसी काम खत्म हो परफेक्ट हो जाए उसके बाद जरूरी नहीं कि कंज्यूमर जो है उसी मिनट खरीदना चाहे हाउ एवर दी अंडर टेक द स्टॉक इमीडिएटली एंड रेगुलरली रीमबस्ट कैपिटलिस्ट जो है वो ये कहता है कि भाई मुझे ये मैं बेचूं ताकि मेरे पास पैसे वापस आए पैसे वापस आए तो फिर मैं दोबारा से साइकिल अपना स्टार्ट करूंगा अगर मेरे पास फंस जाए मेरे पैसे इस तरह से तो मैं तो मुझे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इट इज़ देन द स्ट्रिक्टस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकर टू हैव हिज कैपिटल क्विकली री बाय द सेल ऑफ हिज क्रॉप और कमोडिटीज़ कि मैं जैसी चीज बनाऊं फॉरन बिक जाए ये मेरे इंटरेस्ट में है जितनी जल्दी वो बिकेगी उतनी जल्दी मुझे कैपिटल वापस मिलेगा जितनी जल्दी कैपिटल वापस मिलेगा दोबारा से मैं प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकूंगा ऑन द अदर हैंड इट इज द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट टू फाइंड व्हेन एंड वेयर यू बेजिस इट द थिंग्स ही स्टैंड्स इन नीड ऑफ आप तो अपनी मर्जी से खरीदते हैं मैंने ये मैं चाहता हूँ फ़ौरन बिके चीज़ आप कहते हैं मैंने फ़ौरन ख़रीदनी नहीं है तो फिर बीच में कौन आता है मर्चेंट मर्चेंट जो है वो किरदार अदा करता है कि वो होल सेल खरीद लेता है कैपिटलिस्ट से और फिर पीस मील आपको वो बेचता रहता है एक एक करके चीज़ आपको बेचता रहता है और इसमें वो मुनाफा कमाता है सो मर्चेंट एक्चुअली प्लेज एज यू कैन सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन द मार्केट इकानमी क्योंकि विदाउट द मर्चेंट द कैपिटलिस्ट वुड वी उसका सरमाया जो है ना वो फंसा जाएगा एक तरह से जब तक वो सारा बिकेगा नहीं और वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एकदम से इंटरप्ट हो जाएगा सो so, मर्चेंट जो है ना वो उसको उस प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ आउट कर देता है क्योंकि आपने ऐसा ऐसा चीज़ खरीदनी है और उसने फ़ौरन बेचनी है अब मर्चेंट्स में सारे रिटेलर शामिल हैं मिसाल के तौर पर हाइपर स्टार और अल्लाह आपका भला करे कौन से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं मेट्रो अलफ़ा एज करीम बख्श इम्तियाज़ अब ये बड़े बड़े रिटेलर हैं ठीक है अब वो थो थोक में ख़रीद लेंगे माल बड़े क्वांटिटी में अपने वेयर हाउस में जा गोदाम में रख लेंगे और सस्ता खरीद लेंगे और आप अगर कैपिटलिस्ट हैं आपके बेनिफिट में है कि इम्तियाज़ मेरे से सारे मेरे टमाटर खरीद लें ठीक है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरन कैपिटल आपका वापस मिले और उनको पता है कि ये तो एक हफ्ते में लगाएगा को बेचने में वो फ्रिज में डाल देंगे जो भी करेंगे उसके साथ वह ऐसा ऐसा करके बेच लेंगे या वो अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो कमोडिटी भेज देंगे वहाँ से वो बेच लेंगे सो इसलिए आपको बेनिफिट करता है ये नहीं बेनिफिट करता कि आप डायरेक्टली जाके हर बंदे को बेचें बल्कि आपको ये बेनिफिट करता है कि आप होल सेलर को बेचें वो आगे बेचें जब होल सेलर को बेचते हैं और वो आगे बेचता है तो होल सेलर भी उसमें से ऑब्वियसली फिर एक कट एक पैसे कमाता है तो कहता है बहुत डिफरेंट किस्म के मर्चेंट्स हैं हज़ारों किस्म इनफैक्ट वो कहता है इन्फिनिटी हैं फॉर द ग्रीन फ्रॉम द ग्रीन वुमन एक्सपोज अ वेयर इन अ मार्केट टू द मर्चेंट्स ऑफ नैन्स और कैरीज ट्रैफिक इवन टू इंडिया एंड अमेरिका द प्रोफेशन ऑफ अ ट्रेडर वट इज प्रॉपर्ली कॉल कॉमर्स डिट इनिटी ऑफ ब्रांचेस एंड इट मे बी सेट ऑफ डिग्रीज मतलब हर किस्म के आपको मर्चेंट्स मिलेंगे जो चीज़ें खरीदते हैं और कैपिटल्स को भेजते हैं जो कैपिटल से चीज़ें खरीदते हैं कंज्यूमर्स को बेचते हैं और कंज्यूमर से चीज़ें बेचते हैं दूसरे कंज्यूमर्स को भेजते हैं हर किस्म के आपको मिलेंगे इस तरह के मर्चेंट्स क्योंकि दैट इज द ग्रीस दैट कीप्स द मशीन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी मूविंग बट दे बेसिक थिंग इज द सेम दे ऑल बाय टू सेल अगेन और बेसिक उनका प्रॉफिट यही है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो सस्ता खरीदो मैं दे नॉट डूइंग एनी प्रोडक्शन एज सच दे जस्ट बाइंग एंड सेलिंग बाइंग चीप सेलिंग मोर एट एन एक्सपेंसिव प्राइस दैट्स दैट्स सोशल फंक्शन एंड हाउ दे मेक मनी नाउ वैन मनी सर्कुलेट्स It, this circulation of money then allows the economy to move. And he also compares it to the circulation of blood. He says, it is this continued advance and return which constitutes what ought to be called the circulation of money. This useful and fruitful circulation which animates all the labor of society, which supports all the motion and is the life of the body politic, and which is with great reason compared to the circulation of the blood in the human body. सो जिस तरह ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके ऑक्सीजन लेके जाता है टू ऑल योर मसल्स और वहां से टॉक्सिंस बाहर निकाल खींच के लेके आता है तो इसी तरह इन दिस मार्केट इकोनॉमी नाउ डेवलपिंग दिस कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी मनी प्लेज द रोल ऑफ ब्लड इट मूव्स कमोडिटीज अक्रॉस द होल थिंग फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर दे ऑट टू बी इट मूव्स लेबर फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर इट नीड्स टू बी इट मूव्स द होल इकोनॉमी इट्स द ग्रीस इट्स द ब्लड दैट मूव्स एवरीथिंग To where it's supposed to be, ठीक है? Barter अगर रहे, तो वो तो बहुत बुरा सिस्टम है। तो ऐसी बात है कि खून की जगह आप कोई lead डालते हैं, ऐसी कोई चीज़ डालते हैं। उससे तो काम नहीं करना। क्यों नहीं काम करना? Since it was almost impossible to accumulate considerable capitals, and yet more difficult to multiply and divide payments so much as is necessary to facilitate and increase the exchanges to what extent, to that extent which a spirited commerce in circulation require. मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते बाटर को उसमें आप फंस जाते हैं क्योंकि जितनी क्वांटिटी मैंने बेचनी उतनी क्वांटिटी आप ख़रीदेंगे तो जब जाके एक्सचेंज होगा उसके बगैर एक्सचेंज ही नहीं हो सकता और जो कमोडिटी मैंने लेनी है जो मैंने देनी है वो आपको पसंद होनी चाहिए और जो आपसे मैंने लेनी है वो मुझे पसंद होनी चाहिए अदरवाइज हमारा एक्सचेंज नहीं होगा तो इसलिए बाटर जो है वो बहुत प्रमेटिव सिस्टम है और वो बहुत रेयर सिस्टम है और बस थोड़ी थोड़ी जगह होता था मगर ज़्यादा कॉमर्स की डेवलपमेंट रिक्वायर्ड एक्सचेंज की मार्केट की डेवलपमेंट रिक्वायर्ड The creation of money, which could be subdivided into as many little parts as you like, लाइक and or वो खराब भी नहीं होता और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ से वो चीज़ खरीदी वहाँ से वो चीज़ खरीद ली वो जैसे ये खरीद लिया जैसे ये खरीद लिया जितनी मर्जी उसकी सब डिवीज़न्स करनी पड़े की जा सकती है प्रॉब्लम नहीं है So money is basically the grease that allows the market to function. उसके बगैर मार्केट से नहीं चल सकती द इंडस्ट्रीज मैन शेज वॉलंटेरली द प्रोफिट ऑफ इज एंटरप्राइज विद द ओनर्स ऑफ द सो जो बंदा हार्ड वर्किंग है इंडस्ट्रीज का मतलब है हार्ड वर्किंग वो कहता है कि वो खुशी खुशी कर्जा ले लेगा और कर्जे में से एक हिस्सा और अपने मुनाफे में से एक हिस्सा सूद की शक्ल में अदा करने के लिए तैयार होगा हु विद इंडस्ट्री एंड द लव ऑफ लेबर आर डेस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल एंड हैव नॉट फॉर द अंडरटेकिंग दे विश टू हैल्टी इन रिजॉल्विंग टू गिव अप द अपराइटर्स ऑफ सच कैपिटल ऑफ मनी हु आर विलिंग टू ट्रस्ट दम अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स विच दे आर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेनिंग ओवर एंड मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ फ़र्ज करें मुझे पता है कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर हूँ एक अच्छा टीचर हूँ अगर मैं एक एक अकेडमी खड़ी करता हूँ तो मुझे पता है स्टूडेंट आएगा उसने यूट्यूब पर देख ली वीडियो कहेंगे सर मुझे सी एस एस पढ़ा दें मैं सी एस एस अकेडमी अगर लगाऊँ तो मुझे पता है कि वो कामयाब होगी क्योंकि लोग आएंगे मैं पढ़ाता हूँ अच्छा पढ़ाता हूँ मैं लोग बच्चों को अट्रैक्ट कर लूँगा पैसे भी दे देंगे ठीक है तो मुझे कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए वो कह रहा है कि मैं कर्ज़ा लेके एकेडमी खड़ी कर लूँ क्योंकि उसमें से मैं मुनाफा भी कमा लूंगा और मुनाफा कमा के मैं अपना कर्जा वापस कर लूंगा एंड दैट वे आई विकम दोर ऑफ एन अकेडमी राइट एंड आई वॉल्टर रेडी टू गिव दैट मनी टू दैंक मनी लेंडर बिकॉज मुझे फायदा हो रहा है ना उसके बगैर मैं अपनी अकेडमी तो नहीं खड़ी कर सकता सो वॉट इज द नेचर ऑफ द लोन कहता है रिस्क देअर कैपिटल मेरान इसका मतलब ये है कि वो ये असेस करते हैं कि अगर मैं इसको पैसे दूंगा तो मुझे क्या नाम है ये पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा अगर मुझे लग रहा है कि ये पैसे वापस नहीं करेगा रिस्क ज़्यादा है तो मैं फिर कहूँगा कि नहीं ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो मैं इस शर्त पर करूँगा कि तुम ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे वापस दो तो फिर मैं अपने कैपिटल को रिस्क करूँगा अदरवाइज मैं अपने कैपिटल को रिस्क करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे अगर पता है कि ये बड़ी बीबीसी लड़की है और इसने तो मेरे पैसे वापस करनी हार्ड वर्किंग भी है तो मैं इसको लो इंटरेस्ट पे भी देंगे मुझे गारंटीड पता है ये पैसे वापस मिल नहीं मिलने हैं लेंडिंग ऑन इंटरेस्ट इज ओनली अ ट्रेड इन विच अ लेंडर इज अ मैन हु सेल्स द यूज ऑफ हिज मनी एंड द बोरोअर वन हु बाइज प्रिस द सेम एज द प्रोप्राइटर स्टेट और द पर्सन हु फार्म्स इट बाइज एंड सेल्स फार्मलीफ द यूज ऑफ द हायर लैंड जैसे आप लैंड को रेंट पे देते हैं इसी तरह आप मनी भी एक तरह से दे रहे हैं रेंट जिस तरह आपको कमोडिटी बेचते हैं इसी तरह आप एक तरह से अपनी मनी किसी को एक अरसे के लिए दे रहे हैं टू यूज एज कैपिटल तो उसमें से फिर आप क्योंकि अपना पैसा उसको दे रहे हैं ताकि वो इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस लगा ले तो आपका हक बनता है एक उसमें से हिस्सा हासिल करने का सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है कहते हैं ट्रू फाउंडेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी इज दैट सिंस इट इज इज ओन यानी कि वो मेरे पैसे हैं ना आपके तो नहीं थे आई वाले भी ये कहते हैं ना वो मेरे पैसे हैं, तो ताड़े थे नहीं सिर्फ तो कहते सिंस इट इज इज ओन ही हैज अ राइट टू कीप इट आप मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते कि सर आप मुझे कर्जा दें मैं मैं क्यों कर्जा दूं भाई तो आप मेरी फूफी के बेटे हैं कि मैं आपको कर्जा दूं ठीक है नहीं नथिंग कैन एम्प्लाई ड्यूटी इन एम टू लैंड इट इफ देन ही डज लैंड ही मे मेंनेक्स सच ए कंडीशन टू द लोन एज ही चूज ठीक है अगर मैंने यहाँ लैंड कर दिया है तो फिर मेरे पास ये हक है मुझे कोई आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव यू मनी टू सेटअप योर अकेडमी एक्सेट्रा इसलिए मैंने अगर आपको दे दिया है तो फिर मैं आपके साथ ये भी तय कर सकता हूँ कि ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ मगर इस शर्त पे कि आपने मुझे टेन परसेंट इंटरेस्ट देना इसमें इन दिस ही डज नो इंजरी टू द बॉर मैं आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं कर रहा टेन परसेंट मांग के सिंस द लेटर अग्रीज टू दंडीशन एंड हैज नो सॉर्ट ऑफ राइट ओवर द सम लैंड ठीक है सो so, आपने खुद फैसला किया आपको पैसे चाहिए थे आप मेरे पास आए मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी

देने वाले ज़्यादा होंगे और लेने वाले कम होंगे तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा बस सीधी सी बात आपको इस कोर्स की मैं ओवरऑल एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे वैसे ही बताना चाह रहा हूँ कि देखो हम डिफरेंट किस्म के इकानोमीस को पढ़ रहे हैं हम उसको भी उनको भी पढ़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सूद लेना हराम है और उनको भी पढ़ रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि सूद के बगैर तो सरमादारी निज़ाम ही नहीं चल सकता और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे चीज़ें जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ती हैं मेरा मकसद इस कोर्स में कोई ये नहीं है कि मैंने आपको कोई एक मखसूस नुकता नज़र पढ़ाना है मेरा मकसद इस कोर्स में ये है कि जो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज और उसकी डेवलपमेंट है उसका जो हिस्टोरिकल आर्क है वो क्या है उसको समझना जरूरी है उसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे आगे पीछे वगैरह जो है ना वो पूरी डिबेट डिवेलप किस तरह से होती है दैट इज द पिक्चर दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है सो ओके लेट्स कंटिन्यू कहता है सो बॉज एंड लेंडेस पे डिपेंड करता है उसी कंटिन्यू करता है दिस प्रोपोर्शन डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन द क्वांटिटी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीटेड बाय एन एक्सेस रेवन्यू एंड ऑफ द एनुअल प्रोड्यूस टू फॉर्म कैपिटल क्या मुराद है उससे इसकी इसका मतलब यह है कि मनी हो सकता है कि बहुत सारा मनी एक्सचेंज कर रहा हूं मगर जितना मनी एक्सचेंज कर रहा है वो सारे का सारा वो है जो कि ट्रेड के लिए और मार्केट के लिए जरूरी था ट्रेड करने के लिए जरा इस पर गौर करें सेंटेंस पे इट इज नॉट देर फॉर द क्वानिटी ऑफ सिल्वर एग्जिटिंग एज मर्चेंटाइज विच कॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज और फॉर क्वांटिटी को अगर हम सिर्फ देखें ऑफ सिल्वर उससे आपको यह नहीं पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा क्यों और विच ब्रिंग्स मोर मनी इन द मार्केट टू बी लेंट इट इज ओनली द कैपिटल एग्जिस्टिंग इन कॉमर्स दैट इज टू से द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड ऑफ कांडेड सक्सेसिवली सेव्ड आउट ऑफ द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट टू बी एम्प्लॉयड बाई द प्रोसेस टू प्रिक्योर दैन न्यू रेवेन्यूज एंड न्यू प्रॉफिट यानी कि वो जो वो जो मनी सर्कुलेट कर रहा है फॉर द नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज वो नहीं डिटर्मिन uh, कर रहा द रेट ऑफ इंटरेस्ट बल्कि जो उस नॉर्मल कंजम्पशन के पैटर्न से पैसे बाहर निकाल के सी से बाहर निकाल के एस में डाले जा रहे सेव किए जा रहे किए जा रहे वो पैसे फिर हमने वो पैसे फिर मनी uh, लेंडर जो है लोगों को देता है तो एक वो पैसा है जो आप सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए दैट ऑफकोर्स वो अगर कमोडिटी ज़्यादा हों और वो भी ज़्यादा हो जाए तो कोई पैसे बचते नहीं है सेव नहीं होते टू गिव एज मनी इन द इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट सो वॉट मैटर्स इज के उसमें से उस कंजम्पशन में से कितने पैसे सेव होते हैं और फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो लोगों को कर्जे की शक्ल में अदा किए जाए सो so, इस वजह से वो अब ये कहता है कि लग्जरी बड़ी बुरी चीज़ है आप तीन गाड़ियाँ नजर आ रही हैं बड़े खुश हो रहे हैं मुझे पता था लड़के जो हैं वो तो डेफिनेटली वो यूं करेंगे सर oh, किसी चंगी तस्वीर लाई है लाइए तो मगर वो कहता है द मोर वन सेव्स द ग्रेटर द कैपिटल अवेलेबल फॉर क्रेडिट हैंस द लोअर द इंटरेस्ट रेट अगर आप पैसे बचाएंगे सेविंग्स करेंगे और उसको उसको इस्तेमाल करेंगे इस मकसद के लिए कि कर्जा दिया जाए तो फिर इंटरेस्ट रेट फिर द अमाउंट ऑफ लेंडर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग लेंट इन द इकोनॉमी वो बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट क्या होगा कम हो जाएगा और अगर आप पैसे अपने सारे खर्च कर देंगे अब कंजम्पशन पे तो फिर आप पैसे बचा के लैंडिंग की शक्ल में नहीं दे रहे तो उसके नतीजे में फिर इंटरेस्ट रेट नहीं नीचे आएगा थस द स्पिरिट ऑफ इकोनॉमी लवर्स द इंटरेस्ट रेट स्पिरिट ऑफ इकॉनॉमी का मतलब ये टू इकोनमाइज टू नॉट स्पेंड अ लॉट ये तो क्वेश्चन भी था उसमें फ्रूगैलिटी और इकोनॉमी और स्पेंडिंग का कि तुर्गो कह रहा है कि अच्छी चीज़ है आपने ज़्यादा खर्चे नहीं करने बल्कि आपने अपने पैसे बचाने हैं आई फोन फोर्टीन एंड हाफ प्लस थ्री पॉइंट फाइव सिक्स फोर फाइव नहीं लेना आपने जो भी उसका लेटेस्ट मॉडल है पुराना आईफोन इस्तेमाल करो पैसे बचाओ और वो पैसे उसका क्या करना है आपने वो पैसे बचा के वो आपने लैंड करने हैं जब आप लैंड करेंगे उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलेगा कोई और जो है वो फैक्ट्री लगाएगा वो प्रॉफिट कमाएगा द लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट प्रूव दैट इन यूरोप इकोनॉमी हैज़ प्रिवेल्ड ओवर लक्चरी कहते हैं हम यूरोपियंस जो है ना हम जो है ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करते और हम क्या करते हैं यूरोपियंस uh, जो है बचाते हैं अपने पैसे उसको री इन्वेस्ट करते हैं कहते हैं सिंस द इंटरेस्ट ऑफ मनी हैज बिन कॉन्स्टेंटली डिमिनिशिंग इन यूरोप फॉर सेवरल सेंचुरीज इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट यूरोप के अंदर गिरता आ रहा है आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ इंटरेस्ट रेट्स पढ़ के सुनाए थे कि रोम के पीरियड में इतना था और फिर इस पीरियड में इतना और हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट गिर रहा था तो मैंने आपको किसी ने सवाल भी किया किसी ने पूछा कि सर ये इंटरेस्ट रेट्स इतनी अहमियत रखते हैं मैंने कहा मैंने पता नहीं कहा या नहीं कहा मगर अहमियत इस सेंस में रखते हैं कि उनका ट्रेंड स्टडी करें आप एग्जैक्ट नंबर्स तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ट्रेंड उनका यह था कि वो गिर रहे हैं तो कह रहा है ये गिर रहे हैं ये बड़ा अच्छी बात है सिंस द हैज बीन कॉन्स्टेंटली डिमिनिशिंग इन यूरोप फॉर सेवरल सेंचुरीज वी मस्ट कंक्लूड दैट द स्पिरिट ऑफ इकोनॉमी हैज़ बीन मोर जनरल देन द स्पिरिट ऑफ लग्जरी लोग पसंद करते हैं कि कम खाओ पैसे बचाओ पैसे बचा के वो उन पैसों को बैंक के जरिए या जो है वो कर्ज़ों में दो उधर से और नई एंटरप्राइजेस स्टार्ट होंगी तो वो उधर से हमें पैसे और ज्यादा मिल जाएंगे वापस सो दे प्रिफर टू सेव जब सेव आप ज्यादा करते हैं तो क्या सेविंग्स जब ज्यादा होती हैं, तो द मनी अवेलेबल टू गिव एज लोन्स इंक्रीसेज द मनी अवेलेबल टू गिव एज लोन्स इंक्रीसेज वॉट इंटरेस्ट रेट इट यस एक्सलेंट methods of ऑफ money have on ऑफ other। मनी है आर प्रोपोर्शन टू इच अदर एंड ऑल हैव रिलेशन टू द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी इससे मतलब यह उसकी कि जहाँ पे भी आपने कैपिटल वगैरह लगाया है डिफरेंट uh, इंप्लॉयमेंट में किसी ने एग्रीकल्चर में लगाया किसी ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया मैनुफैक्चरिंग में भी डिफरेंट जगह दे आर प्रोपोर्शनड टू इच अदर यानी उसमें से जो इंटरेस्ट आप उसमें से जो प्रोफिट आप कमा रहे हैं दे आर दे आर रिलेटेड टू इच अदर दे आर प्रोपोर्शनड टू इच अदर एंड ऑल हैव रिलेशन टू द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी और जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से ही आपको उसमें से मुनाफा प्रॉफिट वगैरह मिलेगा यानी कि ये जो पूरी इकोनॉमी के अंदर जहां जहां कैपिटल लगा हुआ है जिस जिस प्रोपोर्शन में लगा हुआ है और जिस इंटरेस्ट रेट पर लगा हुआ है वो दर हकीकत सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है अभी थोड़ी एक स्लाइड के बाद आगे फिर बताएगा कहता है एग्जाम्पल देता है लैंड को देखें आप लैंड जो है वो सबसे लीस्ट रिस्की चीज समझी जाती है इन्वेस्टमेंट क्यों क्योंकि उसमें एक्सीडेंट्स कम होते हैं जमीन तो जमीन है ना जमीन है को उड़ के तो नहीं चले जाना कहीं तो बड़ी भी है ठीक है ना एक्सीडेंट्स कम है इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट और क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है इसीलिए जमीन महंगी है एंड रेवेन्यू वन कैन अर्न फ्रॉम इट इज लेस बिकॉज इस ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है तो इस वजह से इसकी प्राइस ज्यादा है और इसकी इसमें जो आप रेवेन्यू कमाते हैं वो इतनी को हाई नहीं है मगर ऑन द अदर हैंड आप ये देखें

मेरे दो है. एक चॉइस खरीद लूं, एक चॉइस को कर्जा दे दू तो मैं क्या करूंगा अगर जमीन से मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं जमीन में खर्च कर दूंगा अगर वहां पे ज्यादा पैसे मुझे मिल रहे हैं तो, मैं वहां पे खर्च कर दूंगा। तो जमीन, का, जमीन पे जो रेवेन्यू कमाई जाती है वो एक्चुअली काफी कम होती है और जो इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं फ्रॉम दिस एवेन्यू ऑफ लेंडिंग आउट मनी वो हैज टू बी हायर जैसे आप कह रहे थे कि अगर वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो क्या होगा आप कहेंगे कि मैं क्यों इस बिजनेस में जाऊं बेहतर है कि मैं जमीन खरीद लूं तो आप अपना कैपिटल विद्रॉ करना शुरू कर देंगे इसलिए वो कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट हैजू बी अब द रेवेन्यू यू गेट फ्रॉम लैंड अदरवाइज पीपल विल मूव आउट ऑफ दिस वर्क ऑल टुगेदर पीपल विल स्टॉप बिंग मनी लैंडर्स इफ द इफ फ्रॉम मनी लैंडिंग द इंटरेस्ट रेट इज सो लो दैट यू कैन मेक मोर मनी फ्रॉम लैंड पीपल विल लीव दिस बिजनेस कहता है इफ़ अब वो इक्विलिब्रियम दिखाता है इन दोनों के साथ कनेक्शन क्या बनता है कहता है एग्जाम्पल देता है कहता है सपोज करो लैंड लॉर्ड्स ने ये फैसला किया कि कोई मैड काउ डिजीज़ फैल रही है या कोई पिंक आय फैल रहा है या पता नहीं क्या कुछ फैल रहा है जिसकी वजह से जमीन बेकार हो रही है एंड लैंड लॉर्ड्स वॉन्ट टू सेल लैंड लैंड लॉर्ड्स ने फैसला किया कि हम तो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं फर्ज करो नाउ वॉच हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इच आदरप्लेन्स इन अ वेरी सिंपल वे द प्राइस ऑफ लैंड विल फॉल अगर सारे लैंड लॉर्ड यह कहें कि जी हमने जमीन बेचनी है दे विल बी मोर सेलर्स एंड फ्योर बायर्स तो क्या होगा जमीन की कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी द लोअर प्राइस ऑफ लैंड विल मीन दैट लैंड विल यील्ड हायर रेवेन्यू अब जमीन क्योंकि सस्ती हो गई है प्रोडक्टिविटी उसकी उतनी है जितनी पहले थी मगर जमीन सस्ती मिल रही है तो पर डॉलर जो मैं उस पर रुपया उस पर खर्च कर रहा हूं उसमें मेरी प्रॉफिट बढ़ गया मेरा रेवेन्यू बढ़ गया अब क्योंकि मेरा रेवेन्यू फ्रॉम लैंड बढ़ गया हैं मनी विल प्रिफर टू इन्वेस्ट इन लैंड शायन ये कहेगा कि भाई मैं क्यों फिर उधर तू मैं तो लैंड खरीद लेता हूँ इससे द मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग विल डिक्रीज तो शायान जैसे लोग जो हैं वो वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे लैंड में डाल देंगे जब लैंड की प्राइस गिर जाएगी तो लैंड में डाल देंगे क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा बन रहा है और वो मनी लैंडिंग में को छोड़ देंगे इसका क्या नुकसान होगा इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप ठीक है एज यू एग्जिट द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट गोइंग अप और इस तरह से एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा दिस इक्विलिब्रियम इज अचीव लाइक दैट बिटवीन टू लिकर्स ऑफ अन इक्वल ग्रेविटी लिकर से मतलब वो वाला लिकर नहीं है एनी लिक्विड है ठीक है ऑफ अन इक्वल ग्रेविटी एंड विच कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई अ ऑफर्सड साइफन ठीक है तो जो चीज जो लैंड अगर स, सस्ता हो रहा है तो उसके नतीजे में यहां पर रेवेन्यू ज्यादा हो रही तो यहां से चीजें स्विच करके यहां चली जाएंगी और उसके नतीजे में यहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे अनटिल इक्वलिब्रियम इज अचीव तो ये चीज़ हमने पढ़ी है इकनॉमिक्स में कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में कैपिटल फ्लो कर जाएगा अगर दूसरी मार्केट में रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा हो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो जाए तो कैपिटल जो है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में रिटर्न करेगा जब तक के इधर का रेट ऑफ रिटर्न बढ़कर बराबर नहीं आ जाता इक्वलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेन वेरी सिंपली Or very concisely explained idea that the rate of profit will equalize across various types, different types of capital, like a like a siphon that will move capital from one side of the economy to the other side of the economy until the rate of profit profit is equalized. Or if you have read Adam Smith, Adam Smith calls this the normalization of the rate of profit, and Alfred Marshall, of course, calls it you know, economic profit, the normal rate of profit. Okay? All right. Our interest rate indicates the abundance or scarcity of capital. What does this mean? Thus, the current interest of money may be considered as a standard of the abundance or scarcity of capitals in a nation and of the extent of enterprises of every denomination in which she may embark. It is manifest that the lower the interest of money is, the more valuable is the land. ठीक है सो लैंड इन इंटरेस्ट रेट हैव दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर जब लैंड जो है वो गिर जाएगा वैल्यू में कैपिटल यहां मूव करेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा जब लैंड चढ़ जाएगा वैल्यू में तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा ठीक है तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स व्हाई क्यों बिकॉज कैपिटल विल मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर वेयर कैपिटल मूव्स वहां पे वो चीज़ जो है उसमें रेवेन्यू बढ़ेगी उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ मनी बढ़ जाएगा ठीक है इंफ्लुंस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल एंटरप्राइजेज द प्राइस ऑफ द इंटरेस्ट में लुकड अपॉन एज अ काइंड ऑफ लेवल अंडर विच ऑल लेबर कल्चर इंडस्ट्री और कॉमर्स एक्ट सो इंटरेस्ट जो है उस वो कितना है किसी सोसाइटी में हमारा तो बहुत हाई है, है ना हमारा तो इन्फ्लेशन रेट ही जो है पता नहीं पच्चीस फीसद है इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट पता नहीं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू परसेंट पर गया ठीक है तो टुरगो ये कहेगा ये तो क्रेजी है जो आप कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ ये तो तबाह किया हुआ अपने इकोनॉमी को क्योंकि वो ये चाहता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे हो बहुत नीचे नहीं अदरवाइज लोग दफा हो जाएंगे मगर बहुत ऊपर भी नहीं क्योंकि अदरवाइज लोग खरीद लेंगे ही नहीं कैपिटल और इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे इट इज दस ऑफ कैपिटल्स दैट एनिमेट्स एंटरप्राइज एंड लो इंटरेस्ट ऑफ मनी इज एट द सेम टाइम द इफेक्ट

वो तो मनी लैंडर्स कौन सी क्लास में कहता है मनी लैंडर बिलोंग्स टू द डिस्पोजिंग क्लास एनी स्टेट इन लैंड इज इक्वल वैल्यू विद अ कैपिटल ठीक है कॉन्सिक्वेंटली एवरी प्रोप्राइटर इज अ कैपिटलिस्ट बट नॉट एवरी कैपिटलिस्ट इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ रियल स्टेट यानी कि कोई भी जिसके पास जमीन है वह एक किस्म का कैपिटलिस्ट भी है मगर जस्ट बिकॉज यूर कपिटल मीन दट यू हैव लैंड हैव टू ओन लैंड सो एवरी लैंड ओनर इज अइंडलिस्ट बट नॉट एवरी कैपिटल इज अ लैंड ओनर The use of which the money lender makes of his interest also shows that the mere class of proprietors had a revenue properly so called, a disposing revenue, and that all the members of the other classes had only salaries or profits. So, mm -hmm. class salaries or profits are not disposable type revenue. Just like a landlord. Now, I don't think Turgo is entirely correct here because the finance capitalist is a kind of capitalist, not a kind of landlord.

जो इनके सूद को हाथ लगाया बिकॉज इट इज द प्राइस ऑफ एन एडवांस मेड फॉर द द एंटरप्राइज विदाउट एंटरप्राइज कुड नॉट एग्जिस्ट पी बात क्यों नहीं समझ रहे सारी कैपिटलिस्ट तबाह कर देगी आप इसको हाथ लगा के टू अपॉन इट वुड कॉज एन ऑगमेंटेशन इन द प्राइस ऑफ एडवांसेस इन ऑल एंटरप्राइजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे अगर आप तो क्या होगा तो सारी एंटरप्राइजेस पे उस पर असर हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमिनिश द दाइज दैट इज टू से कल्टिवेशन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तो इसको हाथ नहीं लगाना और इस पर टैक्स लगा दोगे तो ये बढ़ जाएगा जब बढ़ जाएगा तो फिर आ, हर जगह जो स्पीड ऑफ द इकॉनमी हो जाएगी इन वर्ड द दायर टू लेंड्स मनी ऑट टू बी बीसिडर्ड एज ए डीलर इन अ कमोडिटी एब्सोलूटी नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिचेज ये एक नेसेसरी इस तरह जैसे ये रोटी की तरह है इतनी जरूरी है आपकी इकोनॉमी के लिए एंड विच कैन नॉट बी एट टू लो अ प्राइस ठीक है इसको बहुत नीचे नहीं गिराना आपने ये इसको आपने इसको लेट द मार्केट दिटर छेड़छाड़ नहीं करो इसको ये सबसे अच्छा ना फाइनली टू कंक्लूड एंड्रू डिक्सन वाइट हु इज अ रिमार्केबल अमेजिंग राइटर कभी उसकी पढ़े तो वो लिखता है मैंने निकाला खूबसूरत पैसेज था कहता है टुरगो आई प्रेजेंट टुडे वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु स्टेट्समैनिजन इन फ्रांस बिटवीन द क्लोज ऑफ द मिडिल एजेस एंड द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवल्यूशन गल मान जाते See, anyway, Louis the uh, 11th and uh, Richelieu being the two other. And not only this, were you to count the greatest men of the modern world upon your fingers, he would be of the number a great thinker, writer, administrator, philanthropist, statesman, and above all a great character and a great man. He was maybe too far ahead of his time, too blunt, etc. And yet, judged by ordinary standards, a failure. He failed. He failed. he was Minister of Finance. For he was thrown out of his culminating position as controller general of France after serving but 20 months, and then lived only long enough to see every leading measure to which he had devoted his life deliberately and malignantly undone. The flagrant abuses which he had abolished, restored, apparently forever, the highways to national prosperity, peace and influence which he had opened, destroyed, and his country put under full headway towards the greatest catastrophe the modern world has seen. So Turgoki Yevo argument hai, Turgot ki baad, jate, French Revolution nah hota. But I think it's a little exaggerated. Much as I love Andrew Dixon White. Who i think is a phenomenal writer but it's a bit exaggerated but it makes a good conclusion to my lecture today precisely because uh, that is one of the ways in which turgot has been presented for, by many many authors and writers